सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट टेक इन्फो चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट टेक इन्फो में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कैमरा रिव्यू लिनोवो केट नोट का। ये देखिए पीछे की ओर है 13+5 मेगापिक्सल डुअल रियर कैमरास विथ एलईडी फ्लैश के साथ और सामने है 13 मेगापिक्सल। तो 13 सामने है फ्रंट सेल्फी कैमरा और पीछे 13+5। तो आइए चेक करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बताता हूँ, ये फोकस किया, यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं इसको ब्राइटनेस, ये ब्राइटनेस कम कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये। ये देखिए अभी जो होल्स है माउस के ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहे हैं, और जैसे मैं ब्राइटनेस बढ़ाऊँगा तो काफ़ी अच्छा क्लियरिटी आ जाएगी, मीन्स नाइट में भी आप अच्छा खासा पिक्स निकाल पाओगे। ये मैंने शूट किया तो ये निकल गया, तो अभी मैं कम करता हूँ तो अभी देखिए कितना इफेक्ट होता है। ये देखिए पूरा डल हो गया, ये देखिए नेचुरल ये कलर है, ये निकाला मैंने। अब ये दोनों मैं आपको बाद में बताऊँगा, बट उससे पहले आप यहाँ पर ये देख लीजिए ऑप्शंस इसमें क्या क्या अवेलेबल है। SDR ऑप्शंस है, ऑन ऑफ ऑटो, फ्लैश ऑप्शन है ऑन ऑफ ऑटो, टाइमर ऑप्शंस है 3 सेकेंड 10 सेकेंड्स, और ये नॉर्मल और डेप्थ एनेबल्ड। डेप्थ एनेबल्ड में क्या करता है, फोकल लेंथ ये देखिए कम ज़्यादा डेप्थ एनालिसिस करता है। यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, ये देखिए, और ये पिक निकाल दीजिए, ये हो गया ठीक है। ये देखिए मैं अभी ये पिक निकालता हूँ, फोकल लेंथ डेप्थ एंड डेप्थ का ये डेप्थ ले रहा है, ये मैंने पिक निकाला, ये और एक निकाला ठीक है। अभी ये हो गया रियर कैमरा, अभी फ्रंट 13 मेगापिक्सल कैमरा से मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए ये मैंने पिक निकाला, ब्यूटिफिकेशन ऑफ है, ऑटो रखता हूँ, क्लिक करता हूँ, निकाल दिया है। SDR ऑप्शन है, SDR मैं ऑन करता हूँ, SDR ऑन करता हूँ, ब्यूटिफिकेशन क्लिक किया, मैनुअल किया, मैनुअल ब्यूटिफिकेशन मैंने ज़्यादा बढ़ा दिया। तो ये देखिए, तो यहाँ पर ऑप्शंस, यहाँ पर देखिए शटर कैप्चर सेव लोकेशन सभी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। 13 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा 13986 ऐसा बताएगा, और ये सेल्फी कैमरा, रियर कैमरा, ये वीडियो का साइज़ बताएगा Full HD, Half HD, VGA। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, 30 FPS के हिसाब से आप शूट कर सकते हो Full HD। तो ये छोटे छोटे ऑप्शन इसमें दिए गए, ज़्यादा ऑप्शन नहीं दिया गया है। यहाँ पर देखिए बस इतने से छोटे से ऑप्शंस है, ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पर नहीं दिए गए, बट वो क्यों नहीं दिया गया मुझे भी पता नहीं है। लेनोवो केट नोट ये मोबाइल है, डुअल रियर कैमरास है, और अभी हम यहाँ पर देखते हैं जो हमने क्लिक किया वो मैं आपको यहाँ पर फ़ोटोज़ में दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए अभी फ़ोटोज़ में ये देखिए, ये रहा सेल्फी का कैमरा, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे क्लियरिटी, बट थोड़े से वाइट डिटेल्स इसमें ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये नॉर्मल है SDR ऑप्शन, यहाँ पर वाइट डिटेल्स कम है, ब्यूटिफिकेशन में वाइटनेस कुछ ज़्यादा आ रहा था, यहाँ पर कम है। ये देखिए जो वाइटनेस हमने बढ़ाया था, ब्राइटनेस यहाँ पर काफ़ी क्लियर दिख रहा है, इतने अंधेरे में थे एक्चुअली, इतना डार्क था यहाँ पर, ये आपको बताता हूँ। ये देखिए ये भी वाइट है, ये एक्चुअली रियल में है, तो रियल में यहाँ पर उतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, बट ये ओरिजिनल है, जहाँ पर आपको देखिए छोटे छोटे होल्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये ब्राइटनेस में। तो ये काफ़ी डिम लाइट हो या मून लाइट में काफ़ी अच्छा पिक्स निकाल पाएंगे हम इस लेनोवो केट नोट में, जो ऑप्शन दिया गया था तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो यहाँ पर हम ये इसका साइज़ भी चेक करते हैं एक बार, ये देखिए इसका साइज़ मैं आपको बताता हूँ। क्लिक किया, 4 MB का एक साइज़ ले रहा है ये, अपर्चर 2.0 है इसका, 3.50 mm का फोकल लेंथ है, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और इसका फ्रंट कैमरा का हम चेक करते हैं, ये फ्रंट कैमरा का हम ये देखिए 5 MB तक इसने लिया है, 13 MP अपर्चर 2.0 ये भी। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा कैमरा रिव्यू लेनोवो केट नोट का। ये देखिए आपको मेरा लेनोवो केट नोट का कैमरा रिव्यू पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जी हाँ, ज़रूर बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहे बिना कोई दिक्कत के। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।